इस वीडियो में हम देखने वाले 20,000 की प्राइस रेंज में आने वाले ऐसे स्मार्टफोन जो हाई एंड गेमिंग और परफॉर्मेंस के साथ फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस देते हैं। हम देखेंगे 5 ऐसे फोन जिनमें आपको गेमिंग के साथ साथ बाकी फीचर्स भी टॉप नॉच मिलते हैं। इनफैक्ट इस लिस्ट के नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1 के फोन आपको BGMI, PUBG और COD जैसे बैटल रॉयल गेम में 60 FPS का परफॉर्मेंस देते हैं। उसी के साथ आपको इनमें प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और कैमरा क्वालिटी भी मिलती है। गेमिंग के लिए एक फोन में सबसे जरूरी बात होती है हाई रिफ्रेश रेट और हाई टच सैम्पलिंग रेट वाले डिस्प्ले, एक हाई एंड परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, नहीं तो एक क्विक चार्जर और एक कूलिंग सिस्टम जिससे आप लॉन्ग गेमिंग सेशन कर सके बिना किसी दिक्कत के। अगर आप इस प्राइस पर एक गेमिंग डिवाइस ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आता है Redmi Note 11T 5G। इस फोन को इस लिस्ट में शामिल करने की सबसे बड़ी वजह इसका प्रोसेसर, बिल्ड क्वालिटी और एग्रेसिव प्राइस। इसमें आता है MediaTek Dimensity 810 6nm 5G प्रोसेसर जो नियर फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसका अंतत्व स्कोर 3,90,000 से भी ज्यादा आता है। इसमें सभी गेम्स अल्ट्रा सेटिंग पर एकदम स्मूथ और बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के चलते हैं। बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो ये आता है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ। उसी के साथ 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है और IP53 डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन के साथ आता है। ये आता है 50 MP वाइड 8 MP अल्ट्रा वाइड के ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ और सामने की तरफ आपको 16 MP का सेल्फी सेंसर मिलता है। इसमें 5000mAh की बैटरी आती है और उसे चार्ज करने के लिए आपको 33W का फास्ट चार्जर मिलता है। अगर बात करें इसके फीचर्स की तो ये आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। इसमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं और उसी के साथ 3.5mm का जैक भी मिलता है। इसमें 3GB की वर्चुअल रैम एक्सपेंशन मिलती है और MIUI 12.5 के साथ एंड्रॉइड 11 का भी सपोर्ट मिलता है। यह आता है 6GB 64GB 6GB 128GB और 8GB 128GB के 3 वेरिएंट के साथ और इसका बेस वेरिएंट 16,000 से शुरू होता है जो ऑफर्स वगैरह के साथ और भी डिस्काउंट्स में मिल जाता है। ये फोन इस लिस्ट का सबसे सस्ता फोन है और इस प्राइस पर ही अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देता है, इसलिए Redmi Note 11T हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर आता है। दोस्तों अगर आपको 20,000 की प्राइस पर एक अच्छा DSLR जैसी परफॉर्मेंस वाला कैमरा फोन चाहिए तो उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है लेटेस्ट Realme 9 Pro। ये फोन इस लिस्ट का दूसरा सबसे सस्ता फोन है। ये फोन आता है प्रीमियम डिजाइन और नियर फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर के साथ। इसमें आता है स्नैपड्रैगन 695 6nm 5G प्रोसेसर जो 400,000 से भी ज्यादा अंतत्व स्कोर करता है। आप इसे एक एंट्री लेवल फ्लैगशिप बोल सकते हैं। कम प्राइस में आपको हाई लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसमें सभी गेम्स अल्ट्रा सेटिंग्स पर स्मूथ चलते हैं। बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो ये आता है कलर शिफ्ट बैक डिजाइन के साथ। डायरेक्ट सनलाइट में इसके बैक पैनल का कलर चेंज हो जाता है। यह आता है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ। उसी के साथ 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। यह फोन ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। 64 MP वाइड, 8 MP अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो सेंसर मिलता है और फ्रंट की तरफ 16 MP का सेंसर आता है। इसमें 5000mAh की बैटरी और 33W का फास्ट चार्जर मिलता है। अगर बात करें इसके फीचर्स की तो यह आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। इसमें माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट मिलता है। यह आता है 3.5mm ऑडियो जैक के साथ। इसमें 5GB की वर्चुअल रैम मिलती है। यह फोन 5G को सपोर्ट करता है और इसमें लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। यह आता है 6GB 128GB और 8GB 128GB के 2 वेरिएंट के साथ जिसका बेस वेरिएंट 18,000 से शुरू होता है जिसे आप ऑफर्स के साथ 16-17,000 तक आराम से खरीद सकते हैं। इस प्राइस पर यह फोन सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फीचर्स प्रोवाइड करता है, इसलिए यह फोन हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर आता है। अब आते हैं नंबर 3 पर। तो नंबर 3 पर आता है इन्फिनिक्स का लेटेस्ट स्मार्टफोन इन्फिनिक्स 05G। नंबर 3 से नंबर 1 तक सभी फोन्स में आपको BGMI, PUBG और COD जैसे गेम्स एक्सट्रीम यानी 60 FPS के साथ मिलेंगे। तो इन्फिनिक्स 05G आता है MediaTek Dimensity 900 6nm 5G प्रोसेसर के साथ। ये फोन एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है जिसका अंतत्व स्कोर 4.5 लाख के आसपास आता है, तो परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आता। सभी गेम्स एक्सट्रीम सेटिंग्स पर एकदम स्मूथ चलते हैं। अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो ये आता है 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ। उसी के साथ 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। ये आता है 48 MP वाइड, 13 MP टेलीफोटो और 2 MP माइक्रो सेंसर के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ जिसमें आपको 2x ऑप्टिकल जूम मिलता है और 16 MP का सेल्फी सेंसर देखने मिलता है। इसमें आती है 5000mAh की बैटरी और उसे चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर आता है। बात करें इसके फीचर्स की तो यह आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। इसमें सिंगल स्पीकर के साथ 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है। इसमें आती है 3GB की वर्चुअल रैम। इसमें 5G का सपोर्ट मिलता है। ये डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के साथ आता है। ये आता है LPDDR5 रैम टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ और इसमें थर्मल कूलिंग सिस्टम भी मिलती है। यह आता है 8GB 128GB के सिंगल वेरिएंट के साथ जिसकी प्राइस है 20,000 जो ऑफर्स के साथ 19,000 में आसानी से मिल जाता है। यह फोन एक कंप्लीट पैकेज है चाहे वो गेमिंग, डिजाइन, डिस्प्ले हो या फिर कैमरा। अगर आपको गेमिंग के साथ एक अच्छा कैमरा चाहिए तो यह फोन आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। तो इन्फिनिक्स 05G हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। अब आते हैं नंबर 2 पर। तो नंबर 2 पर आता है IQ Z3। ये फोन फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आता है और बाकी फीचर्स भी आपको इसमें टॉप नॉच मिलते हैं। इसमें आता है स्नैपड्रैगन 768 7nm 5G प्रोसेसर जो कमाल की परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसका अंतत्व स्कोर 4.5 लाख से भी ज्यादा आता है जिसमें आपको हाई एंड परफॉर्मेंस मिलती है। ये सभी गेम्स को एक्सट्रीम सेटिंग पर एकदम स्मूथ चलाता है। ये आता है 5 लेयर लिक्विड कूलिंग के साथ जिससे आप इस
जिसमें लॉन्ग गेमिंग सेशन कर सकते हैं और आपको ज्यादा हीटिंग इशू भी देखने नहीं मिलेगी। इसमें आती है 6.58 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, उसी के साथ 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट और एचडीआर 10 का भी सपोर्ट मिलता है। आता है 64 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल माइक्रो के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ और फ्रंट की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। इसमें आपको 4K 60fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। आता है 4400 mAh की बैटरी के साथ और उसे चार्ज करने के लिए 55 वॉट का क्विक चार्जर आता है जो 50 मिनट्स के अंदर इसकी पूरी बैटरी चार्ज कर देता है। बात करें इसके फीचर्स की तो आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। इसमें सिंगल स्पीकर के साथ 3.5mm का ऑडियो जैक मिलता है। इसमें आती है 3GB वर्चुअल रैम, ये 5G को सपोर्ट करता है। इसमें माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट मिलता है और ये आता है LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ। आता है 6GB 128GB 8GB 128GB के दो वेरिएंट के साथ, जिसका 6GB 128GB बेस वेरिएंट 18,000 से शुरू होता है। जिस हिसाब की प्राइस के साथ ये परफॉर्मेंस और फीचर्स ऑफर करता है उस हिसाब से IQ G3 5G हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। अब आते हैं नंबर 1 की तरफ, तो नंबर 1 पर आता है पोको X3 प्रो। ये फोन पिछले साल मार्च में लॉन्च हुआ था, लेकिन 20,000 में जिस परफॉर्मेंस और फीचर्स के साथ आता है उस हिसाब से ये किसी भी 30,000 वाले फोन से कम्पीट कर सकता है। ये फोन 20,000 के अंदर आने वाला ट्रूली फ्लैगशिप फोन है। यह आता है स्नैपड्रैगन 867nm अनबीटेबल परफॉर्मेंस वाले फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ, जिसका अंतुदु स्कोर 500,000 से भी ज्यादा आता है। BGMI और PUBG जैसे बैटल रॉयल गेम HDR प्लस एक्सट्रीम सेटिंग के साथ आराम से चल जाते हैं। ये 4G फोन है, 5G को सपोर्ट नहीं करता। अगर आपको सिर्फ गेमिंग से मतलब है तो इससे आप कॉम्पिटेटिव लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो आता है 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले के साथ, उसी के साथ 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है और HDR 10 का सपोर्ट भी मिलता है। इसमें आती है गोरिल्ला ग्लास 6 और IP53 डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी फ्लैगशिप लेवल की मिलती है। आता है क्वाड कैमरा सेटअप के साथ 48 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल माइक्रो और 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर के साथ और सामने की तरफ 20 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। इसमें आती है 5160 mAh की बड़ी बैटरी और उसे चार्ज करने के लिए 33 वॉट का फास्ट चार्जर आता है। अगर बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। आता है ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर के साथ और 3.5mm के ऑडियो जैक के साथ। इसमें 3GB की वर्चुअल रैम मिलती है। इसमें माइक्रो एसडी कार्ड का भी सपोर्ट मिलता है। आता है LPDDR4X रैम टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ और इसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी मिलती है। ये फोन आता है 6GB 128GB और 8GB 128GB के दो वेरिएंट के साथ, जिसका 6GB 128GB का बेस वेरिएंट 20,000 से शुरू होता है, जो कई बार सेल्स में 18,000 के नीचे भी मिल जाता है। दोस्तों 20,000 के अंदर अभी तक ऐसा कोई भी फोन नहीं है जो इसकी परफॉर्मेंस को मैच कर सके, इसलिए ये फोन जेन्युइनली नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 गेमिंग स्मार्टफोन जो 20,000 के प्राइस रेंज में आते हैं। सभी फोन्स की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी सवाल हो तो आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।